पाकिस्तान का एक आला सती वफ्त सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में आया हुआ है और इस वफ्त की सरबराही वज़ीर तिजारत और सनअत डॉक्टर गौहर एजाज कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सऊदी अरब में सफ़ीर अहमद फारूक साहब। सर, फरमाएगा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान क्या मौके हैं, दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी को कैसे बढ़ाया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप एक बड़े अहम टॉपिक पे जो है मेरी राय ले रहे हैं। सऊदी अरब, आपके इल्म में होगा कि यहाँ पे एक विज़न 2030 के मंसूबे चल रहे हैं जिसके तहत यहाँ की मईशत में एक रेवोल्यूशन आया है और उससे बहुत से मौके हैं जो सऊदी अरब में हमारे लिए मज़ीद बिज़नेस के जो हैं वो ओपन हुए हैं। और इसके अलावा जो सऊदी क़यादत है उनका पाकिस्तान के साथ एक ख़ास लगाव है और मुतअद्दिद मौके पे उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं। तो इस बिज़नेस डेलीगेशन के आने का ये फ़ायदा हुआ है कि ये हमारे आप कहें कि टॉप के तमाम बिजनेसमैन हैं और उन्हें उनका यहाँ पे हमने मीटिंग्स जो हैं वो सऊदी कंपनीज़ के साथ और यहाँ के मुख्तलिफ जो हुकूमती इदारे हैं उनके साथ करवाई है और उसके ज़रिए से उन्हें उन मौक़ों को जो है उनके ऊपर उसकी तफसीलात और उस यानी वो किस तरीके से सऊदी बिजनेसेस को पाकिस्तान ले जा सकते हैं उसका मौका मिला है। कौन कौन से शोबे हैं जहाँ पर पाकिस्तानी सऊदी अरब में सरमायाकारी कर सकते हैं या फिर सऊदी अरब के जो सरमायाकार हैं वो पाकिस्तान में जाकर सरमायाकारी कर सकते हैं? कोई रुकावटें हैं कि क्या इश्यूज़ हैं सर के जितना पोटेंशियल होना चाहिए था उतनी तिजारत नहीं हो पा रही? मौके देखें, सऊदी अरब में इस वक्त जो तामीराती शोबा है उसमें बहुत भारी जो है इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो हमारी यानी जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं या जो तामीराती मटेरियल्स मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनीज़ हैं उनके लिए बहुत मौके हैं। इसके अलावा सऊदी अरब में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में जो है बहुत ज़्यादा मौके हैं और हमारी जो आईटी की कंपनीज़ हैं वो इस वक्त एक उनका फोकस है कि सऊदी मार्केट के अंदर जो है वो आके इन्वेस्ट भी करें और यहाँ की जो बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ हैं उससे फ़ायदा उठाएं। इसी तरह से सऊदी अरब का ख़ास इस वक्त दिलचस्पी है पाकिस्तान के मादनियाती शोबे के अंदर आने की। हमारा जो ज़रई शोबा है उसमें उनकी दिलचस्पी है चूँकि इनके लिए फूड गज़ाई सिक्योरिटी एक बड़ा मसला है तो वो पाकिस्तान को देख रहे हैं कि पाकिस्तान से किस तरह से हमारे यहाँ तआवुन करें, हमारे यहाँ जो है इन्वेस्टमेंट करें ताकि इनकी जो गज़ाई सिक्योरिटी है वो बेहतर हो। इसके अलावा भी यानी रियल इस्टेट का शोबा है, हमारे आज मिनिस्टर साहब ने उसके ऊपर जो है बड़ी तफसीली ब्रीफिंग दी है मुख्तलिफ सऊदी वज़रा को कि इन्वेस्टमेंट ये रियल इस्टेट के शोबे में को कंसिडर करें। बहुत अरसे से रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बात चल रही है, पेट्रोलियम जो है रिफाइनरी है उसके ऊपर बात चल रही है। तो ये तमाम ऐसे शोबे हैं जहाँ पे पाकिस्तान में भी जो है इन्वेस्टमेंट हो सकती है। क्या आप समझते हैं सर कोई पेशरफ्त हुई है पेट्रोलियम की जो रिफाइनरी लगानी है सऊदी अरब ने उसके ऊपर कोई पेशरफ्त हुई है या फिर रेकोडेक के अंदर जो सरमायाकारी करनी है सऊदी अरब ने उसके ऊपर पेशरफ्त हो रही है? जी, इन इन तमाम जो ये बड़े प्रपोज़ल्स हैं इसके ऊपर पेशरफ्त हो रही है और इंशाल्लाह आपको आने वाले दिनों में इस पर जो है कोई अच्छी मस्बत खबर मिलेगी। अच्छा, ये जो नए शहर बन रहे हैं सर सऊदी अरब के अंदर बड़े बड़े शहर बन रहे हैं तो इसमें पाकिस्तान ने कोई टारगेट किया हुआ है कि अपनी जो लेबर है या वर्क फोर्स है उसको हमने कितना इंक्रीज़ करना है सर? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये जितना भी नई यहाँ पे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनको ये गीगा प्रोजेक्ट्स कहते हैं उसमें पाकिस्तानी जो मैन पावर एक्सपोर्ट के लिए भी बहुत से मौके हैं। और मैं आपको ये मुझे बताते हुए खुशी होगी कि हमारे बहुत से इस वक्त जो इंजीनियर्स हैं वो उन कंपनीज़ में उनको नौकरियां मिल रही हैं जो इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी ये ख्वाहिश है और कोशिश है कि पाकिस्तानी कंपनियां यानी तामीराती कंपनियां यहाँ आएँ और इन प्रोजेक्ट्स के अंदर वो भी अपना किरदार अदा करें क्योंकि जब उनको अगर इसमें कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो ना सिर्फ ये कि वहाँ से उनकी एक अर्निंग होगी
बल्कि वो पाकिस्तानी मैन पावर मज़ीद लेकर आ सके। थैंक यू सो मच सर। जी नाज़रीन, आपने सुना कि जिस तरह के सऊदी अरब की मईशत तब्दील हो रही है, उसी तरह पाकिस्तान के लिए जो मौके हैं वो बढ़ते जा रहे हैं।